491 साल से ज़्यादा पुराना ये अयोध्या का श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला 200 साल के करीब हो गए अदालतों के चक्कर काटते हुए, लेकिन आज 29वें दिन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने अपनी दलीलें रखते हुए मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन ने कहा कि ये सियासी मामला भी है, इसके सियासी मतलब भी हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू महासभा के वकील, हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु, ये जब कानूनी मसले के रूप में इसकी सुनवाई हो रही है, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमारे लिए जमीन विवाद है, तो इसमें सियासत का तड़का कहां से आया? देखिए, उन्होंने ये कहा कि सूट नंबर 5 जो दायर किया गया है रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट एंड देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा, वो सब संघ परिवार द्वारा प्रायोजित है, वो संघ परिवार के लोग हैं और इसीलिए सूट नंबर 5 पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए उसको रिलीफ ना दी जाए। ये उनके आर्गुमेंट का एक लिंब है। इसके अलावा उनके मेजर आर्गुमेंट्स रामलला विराजमान स्थान देवता के कॉन्सेप्ट को अटैक करने में भी रहे, जिसमें उनका कहना यह था कि स्वयंभू डेटी को इतना बड़ा स्थान, इतनी बड़ी जमीन नहीं दी जा सकती है, सिर्फ परिक्रमा करने मात्र से कोई जगह पे ओनरशिप या टाइटल का हक नहीं मिल सकता है। इसके अलावा ये डेटी स्वयंभू डेटी है भी नहीं, इस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजीव धवन साहब ने ये कही, उन्होंने कहा सूट नंबर 5 1989 में फाइल हुआ है, जो बहुत लेट है, और अगर रिलीफ मिलनी चाहिए तो निर्मोही अखाड़ा को मिलनी चाहिए, भले ही उनका सूट लिमिटेशन पे खारिज हो गया है, पर अगर राइट किसी का बनता है तो निर्मोही अखाड़ा का, शिवायत का राइट, शिवायत। उन्होंने अपने इस दलील के पक्ष में श्रीनाथ जी का मंदिर और गोकुलनाथ जी का मंदिर, वो सारी चीजों का जिक्र किया। उनका उन्होंने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की आज मुस्लिम पक्षकारों ने कि स्वयंभू डेटी का कॉन्सेप्ट क्या है, किस स्थिति में कोई डेटी स्वयंभू डेटी होता है, और यहाँ पे जो राम जन्मभूमि स्थान देवता का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा हिंदुओं ने उसको बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया, 1989 में इंट्रोड्यूस किया है, और 1989 में इंट्रोड्यूस करने से पहले तक ऐसी कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास नहीं मिलता है जहाँ पे स्वयंभू डेटी की बात या उस स्थान को एज स्वयंभू डेटी पूजा गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कई जगह ऐसा आया है कि क्या बिना मूर्ति के, प्रतिमा के, देवता की कल्पना हो सकती है, जैसे चिदंबरम में आकाश तत्व के प्रतीक हैं, पंच तत्वों की बात होती है। ये भी बात आई है सुप्रीम कोर्ट ने, और हिंदू पक्षकारों ने भी इस मामले में अपने जब बहस की थी तो इलस्ट्रेशन के तौर पर लगाया था, बताया था कोर्ट को, जैसे कामतगिरी पर्वत की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, माँ गंगा की पूजा होती है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जहाँ पे स्थान देवता की पूजा होती है, जिस पे राजीव धवन का और मुस्लिम पक्षकारों का कहना यह है कि इस स्थान की 1989 से पहले तक एज स्थान देवता पूजा नहीं हुई। उनका कहना यह था कि निर्मोही अखाड़ा भले ही वहाँ पे आउटर कोर्टयार्ड में मूर्ति रख के पूजा करता चला आ रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया वहाँ पे एज स्थान उस पूरे जगह की पूजा की गई हो, ऐसा कोई प्रतीक, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। विष्णु, मेरा आखिरी सवाल ये भी है कि ये भी कहा गया कोर्ट में कि एक खास रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान का ऐसे जगह जगह से दुनिया भर से काफिले यहाँ आए, वो बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया, लेकिन अब मस्जिद पर हमला किया, उसे तोड़ दिया, और उसके बाद लोगों ने एक नई परिपाटी शुरू की है, लोग अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, एक रंग में रखना चाहते हैं हिंदुस्तान। देखिए, अपनी बहस के अंत में राजीव धवन साहब ने ये कहा कि कारवां आता गया और हिंदुस्तान बनता चला गया, वो बात सही भी है, कारवां आता गया, हिंदुस्तान बनता चला गया, पर सवाल मूलभूत यहाँ पे वहीं का वहीं है कि अगर कोई कारवां आ रहा था और जो कारवां के लोग थे, क्या उनका मूलभूत अधिकार है किसी मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद निर्माण करने का, जो हिंदुओं का केस है सुप्रीम कोर्ट सामने, और यही टाइटल सूट है। उन्होंने आज राजीव धवन साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की संजय जी अपनी पूरी बहस में, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लॉ इस केस में एप्लीकेबल होगा, और मुस्लिम लॉ जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले था और ब्रिटिशर्स के आने के बाद वही लॉ कंटिन्यू किया, और इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वही मुस्लिम लॉ कंटिन्यू करेगा, जो हमारा तर्क इसके विपरीत था हमारे केस में, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है उनके पूरे आर्गुमेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी हिंदू पक्षकारों के बिल्कुल उलट इनका ये कहना है कि इसमें मुस्लिम लॉ अप्लाई करेगा, और उससे भी कोर्ट अपने नजरिए में रखे, अपनी निगाह में रखे, ताकि जिस समय फैसला लिखा जाए उस समय इनकी इस दलील को भी तरजीह दी जाए। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।